नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। स्थानीय मंसूर चक थाना परिसर में विदाई सम्मान समारोह हुआ आयोजित, जिसमें थाना अध्यक्ष रहे रंजन कुमार ठाकुर को विदाई दी गई। अध्यक्षता अनुमंडल पत्रकार संघ के सचिव आशीष भूषण दत्त झा ने की। मौके पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों ने थाना अध्यक्ष को फूल माला पहना कर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। स्थानांतरित थाना अध्यक्ष ने कहा कि मंसूचक क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, जाने के बाद यहाँ के लोगों का व्यवहार याद आता रहेगा। मुखिया दिनेश कुमार राय ने कहा कि थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ठाकुर के कार्यालय में कार्यकाल में क्राइम भी कंट्रोल था, गलत करने वालों के अंदर डर था। कार्यक्रम में अपर थाना अध्यक्ष पिंकी कुमारी, मुखिया राजीव कुमार, रवि शंकर गुड्डू, अमित कुमार, अंजनी कुमार सिंह, राजीव कुमार चौधरी, मुखिया राजीव कुमार, पैक्स अध्यक्ष विजय कुमार, राकेश कुमार राय, ललित कुमार राय, SI मनोज कुमार सिंह, अशोक कुमार, प्रूटी कुमारी, कविता कुमारी, संतोष कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। यहाँ अभी हुआ है तो 2.5 महीने 3 महीने का लगभग 3 महीने में बड़ा बाबू को बहुत महान बड़ा बना दिए आप लोग जो बोले उसके लिए। और हम आशा करेंगे कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी सबके द्वारा महान बने रहें और आपकी महानता को आगे बढ़ाते रहें। हम गमछा इसलिए लाए कि इसे जब हमारी मुलाकात हुई उस समय ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इसका उद्घाटन इन्होंने ही किया था आने के बहुत अल्प अवधि में, और भगवान के प्रति भी इनका लगाव जो हमने देखा तो उससे हम काफ़ी अभिभूत रहे और लगा कि नहीं ये श्रद्धावान निष्ठावान व्यक्ति हैं, तो इनके जैसा कर्मयोगी जहाँ भी जाएगा वो इलाका अमन और चैन से प्रफुल्लित रहे। गाड़ी भैया थोड़ा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सर।
आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस विदाई समय पर। सर के साथ ज़्यादा समय तो मेरा नहीं गुजरा, यहाँ आए हुए मुश्किल से 2.5 महीना हुआ, लेकिन उस 2.5 महीना में एक फैमिली की तरह हम लोग को रखे, बिल्कुल ये नहीं लगा कि ये हमारे सीनियर हैं, वो चीज़ यहाँ बिल्कुल नहीं लगा। हमेशा फैमिली के तरह ट्रीट करना और एक अपने कर्मी को कैसे खुश रखना है और हर क्षेत्र में कैसे क्विक एक्शन लेना है, ये सब सर हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाएं। और हमें नहीं लगता कि कोई इनसे अच्छा अधिकारी यहाँ आए होंगे और ऐसा कुछ यहाँ हुआ होगा, क्योंकि हम जब भी हैं यहाँ शांति ही माहौल पर, ऐसा कुछ नहीं पाए कि कहीं मर्डर हो रहा है या कहीं बहुत ज़्यादा शराब बिक्री हो रही है, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ नकेल कसे हुए हैं सर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, कि क्षेत्र में शांति बने रहे, वो चीज़ सर बहुत अच्छा से निभाए जो 2.5 महीना में जो हम देखें। और जो है हमारे हर चीज़ में एक पुलिसकर्मी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग को घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा रहती है, वो चीज़ सर हमेशा दिल खोल के हम लोग को दिए कि जब भी किसी को भी घर जाना है आप स्वतंत्र हैं, 2 दिन के लिए 1 दिन घर घूम लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाए और फिर काम पे ढंग से काम करिए, और किसी भी चीज़ के लिए कभी प्रेशर आइज नहीं किए कि ये करिए वो करिए, लेकिन जनता के साथ कैसे ट्रीट करना है वो चीज़ हम लोग को सर बहुत अच्छा सिखाए। इसी के साथ अगल बगल से आए हुए अभिभावक मित्र बंधु बड़ा बाबू के साथ हम लोग का तो आप लोगों को कैसे अच्छा नहीं लगता है तो हमने जानते हैं, मेरा टीम मर गया था, टीम को जिंदा किए और एक अच्छा खिलाड़ी भी हो गए। सही। इसके साथ साथ बहुत कुछ हम लोग शेयर किए, हर कुछ शेयर किए, अब व्यवस्था इनकी है, चलाना इनको है, सिस्टम ये अपने सिस्टम से चलाएंगे, मेरे मन से तो नहीं चलाएंगे। आज तक तो हम लोग नहीं बोले किसी चीज़ को कि मन से चलाया, जो कल्पना कर रहे हुए तो वो नहीं होता, सिस्टम से बाहर ये नहीं गए जो बात है। इसके लिए किसी को तकलीफ हुआ चाहे जो हुआ हुआ, सम्मान देने में अपने तरफ से ही किसी को कमी नहीं की। और इनका कार्यकाल जो भी रहा हम लोग के लिए बहुत सराहनीय रहा और मैं अपेक्षा करूंगा कि आगे भी बढ़िया पद पर आए और फिर हम लोग उसे फ्रूटी मैडम भी बहुत जनप्रतिनिधि जन और मोदी जी भी और ग्रामीण और हमारे मित्र बंधु और हमारे सहकर्मी सभी को मेरा प्रणाम। हमारा कार्यकाल यहाँ बहुत दिनों का नहीं रहा, फिर भी मेरे ख्याल से जितना भी रहा वो अच्छा ही रहा और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला और इसी तरह का सहयोग हम चाहेंगे कि आने वाले थाना प्रभारी को और हमारे जो सहकर्मी हैं उन्हें भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, क्योंकि ये जो है स्थानांतरण वाला जॉब है तो आज यहाँ और कल कहीं, फिर भी हम लोग जो है एक दूसरे के दिलों में जो जगह बना लिए हैं वो हमेशा यादगार रहेगा और इसी तरह कभी भी याद करने पे हम एक दूसरे के करीब आएंगे। और सर 1.5 साल के दरमियान क्या कुछ यादगार पलें रही आपके साथ? हम लोग जो है आपस में जो बैठक करते थे उन बैठकों में हमारी कमियों को जो जनप्रतिनिधि एवं जो ग्रामीण और बुद्धिजीवी और यहाँ के जो भी दल के जो प्रमुख सब हैं उन दोनों लोगों द्वारा तो जो उठाया गया वो बहुत यादगार रहा और उस उन कमियों को दूर करके हमने जो कार्य किया वो हमेशा जो है हेल्पफुल रहा हमारे कार्यकाल के लिए। और अभी तक के जितने भी थाना अध्यक्ष आए यहाँ तो मंसूर चक में एक से एक वीर पदाधिकारी आए और हर समस्याओं का हल किया, लेकिन इनका जो करने काम करने का तरीका था वो अलग ही था। सामाजिक स्तर पे भी काम का ये निपटारा करवाना अधिक समझा जिससे समाज में द्वेष ना फैले, छोटी मोटी समस्याओं का भी अक्सर ये हल करना
अपने तरीके समझते थे या जिस इलाके का है उस इलाके के लोगों को बुलवाकर समस्या का हल करते थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इनके रीजन में कोई भी कर्मी हमें कहीं से भी नाखुश नहीं दिखे। ऐसा होता है कभी कभी पदाधिकारी कोई ऐसे होते हैं तो उनके रीजन में कर्मी नाखुश हो जाते हैं, लेकिन श्रीमान का काफ़ी ही मिजाज ऐसा था मिलनसार, जो हम क्या गति व्याख्यान करेंगे, सभी लोग जानते हैं और सभी समझते हैं कि शायद एक चौकीदार को भी कभी रेकार या तुम कह के नहीं बात किए होंगे। और इनका क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा रहा, कई लोग कई चर्चाएं हुई, इसमें बहुत सारे अफवाहें भी उड़ी, कभी हुआ कि इनके रीजन में 8 हत्याएं हुई। मैंने आज भी एक आदमी को जवाब दिया था कि 8 हत्याएं जो थी वह हत्याएं नहीं थी। अगर हम आप अभी एकाएक बात कर रहे हैं और कोई हमें मार दे तो क्या वह हत्या कहलाएगा? वो हत्या नहीं है। हत्या जब कोई उस तरह का होता है तब वो हत्या कहलाता है। और कई बात हुई, अगर हत्याएं 8 हुई तो बढ़िया पदाधिकारियों का भी उस पर नज़र पड़ता तो कोई कार्रवाई इन पर होती, लेकिन लोगों से शराब माफिया पे लगाम लगाया। मंसूर चक में छोटे छोटे बच्चे जो बेच रहे थे उस पर नकेल कसने के लिए उसको भी इन्होंने टाइट किया, जिसके कारण मंसूर चक में काफ़ी ही उस समय में ऐसा माहौल हो गया था, लगा कि सचमुच यहाँ दारू माफिया पे नकेल कसा गया। डर से जो लोग यहाँ के बैठते थे वो भी बैठना बंद कर दिए, गेट के बाहर ही रहना शुरू कर दिया था। कोई चर्चा ही नहीं होता था, कभी फोटो खिंचवाने माहिर होते थे वो लोग भी बंद कर दिया आना जाना। मैं कहूँगा कि इनके कार्यकाल में जो भी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, अगर आप लोग में से भी कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं अपनी